बंकर एक फिल्म है जो आज तक आपने सारे जो वॉर फिल्म्स देखे हैं उससे बहुत अलग फिल्म है ये, क्योंकि बंकर एक ऐसी कहानी है जो आप जो बाहर से देखते हैं, जो वॉर देखते हैं, जो सिचुएशंस देखते हैं, जो इंसिडेंट्स के बारे में मालूम पड़ता है उसके बारे में नहीं है। ये वो फिल्म है जो अनकहीं बातें होती हैं एक सोल्जर्स का, एक सिचुएशन का, एक फैमिली का, जो हम नॉर्मली नहीं देख पाते हैं और नहीं सुन पाते हैं उसके बारे में है। और बंकर फिल्म एक मेंटल हेल्थ ऑफ अ सोल्जर एंड द फैमिली के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करता है, और ये एक एंटी वॉर फिल्म है जो पीस को प्रमोट करती है। इसीलिए नहीं लिया हुआ ये सब्जेक्ट है जो आपने चुना, तो ये आपके दिमाग में कैसे आया? सर एक्चुअली आपके सवाल में ही मेरा जवाब था, क्योंकि जैसे आपने कहा कि एवरीबडी इज़ डूइंग द एक्शन फिल्म, एक वॉर फिल्म होता है जो मोस्टली एक एक्शन तौर पर होता है, तो मुझे ऐसा लगा कि हमको कुछ अलग करना चाहिए। एंड जैसे मैं बहुत सारे सोल्जर्स को मिलता हूँ, बात करता हूँ और ऐसा किया है बहुत सारा, तो तभी मुझे पता चला कि अपार्ट फ्रॉम द एक्शन उसके अलावा भी उनके अंदर एक दूसरा एक वॉर चल रहा है और उसके बारे में मुझे बात करना था। तो एक सोल्जर जो है उसके दिमाग के अंदर क्या चलता है, मुझे उसके बारे में एक फिल्म बनानी थी, और दैट इज़ हाउ वी ऑल कुड मेक दिस हैपन। कास्टिंग का चयन आपने को देख के किया है कि मतलब स्टोरी वाइज? स्टोरी वाइज ही है, स्क्रिप्ट पहले बना था, और जैसे कि स्क्रिप्ट बनते ही मैंने अपने DOP से कांटेक्ट किया और उनसे पहले बात किया, क्योंकि हमको पता था कि ये एक 12x8 फीट बंकर के अंदर शूट करना है। तो सबसे पहले तो मेरे को उनका एक अप्रूवल चाहिए होता है कि ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो वो एक ये होता है, क्योंकि इससे भी छोटा रूम रहता है, 12x8 यहाँ से लेके यहाँ तक ही है, इतना ही है, और उसके अंदर शूट करने के लिए, और वो भी 5 दिन का ही समय था हमारे पास शूट करने के लिए। तो उनसे बात किया एंड देन हम लोग डेवलप कर रहे थे, एक कॉन्फिडेंस आया कि हाँ ठीक है ये हम कर सकते हैं कैसे भी करके। फिर मैं मिला अभिजीत से थ्रू माय प्रोड्यूसर गौरव गुप्ता, एंड उसके बाद हम उनसे मिले, बात किए, एंड स्क्रिप्ट का नरेशन हुआ, फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्कशॉप हुआ, जिसके बाद एक कॉन्फिडेंस मिली कि ये हम अच्छे से कर पाएंगे विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। एंड देन हम लोग बहुत सारे स्क्रीनिंग एंड ऑडिशंस किए थे इवन फॉर द कैरेक्टर ऑफ स्वरा, एंड तभी जब हमको अरिंदिता मिली थी तो तब ऐसा लगा कि यू नो कि ये कैरेक्टर्स में एक्चुअली दोनों ही कैरेक्टर में ऐसा है कि विदाउट स्पीकिंग हमको कहानी बतानी है,